यूपी के संभल में दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दुखद मौत हो गई। आपको बता दें कि बिजली के करंट लगने से 5 साल की मासूम बच्ची सहित भाभी और देवर की मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मच गया। पूरा मामला संभल जिले के गिन्नौर कोतवाली के ग्राम बाधव का है, जहां आज सुबह बिजली का करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि गाँव निवासी 16 वर्षीय विकास दोपहर बाथरूम पहुंचा। आरोप है कि जैसे ही मोटर चलाने के लिए उसने बटन दबाया तो अचानक मोटर में करंट उतर गया और विकास करंट की चपेट में आ गया। चीखने की आवाज़ सुनकर उसकी भाभी रश्मि दौड़ पड़ी। देवर को बचाने के प्रयास में रश्मि भी बिजली की चपेट में आ गई और मौके पर ही देवर और भाभी की मौत हो गई। इसी बीच 5 साल की रिक्षिता भी मां के पीछे पीछे दौड़ी और वो भी करंट की चपेट में आ गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही गाँव के लोग मौके पर पहुँच गए। इसी बीच सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुँच गई। फिलहाल परिजनों ने पुलिस को किसी प्रकार की अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है, जिस वजह से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उधर परिजनों ने 3 का अंतिम संस्कार कर दिया है। गुड़े, क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा जी, ये जो अभी जो है हादसा हुआ है इतना बड़ा, कुछ बताएंगे इस हादसे के बारे में, कैसे हुआ था ये हादसा? हुआ भाभी बच्चे हम सारे सो रहे थे बेड पे और भैया स्कूल से आया सियावली से। जी जी जी। वो आके एकदम ड्रेस चेंज करके खाना खाने जा रहा था। भाभी बोली बल मुँह हाथों धो लो, ठंडे बोलो, घाम से आए तुम बस में रोड पे ऐसा आए। तो वो नल पर गया, नल नहीं चलाया, उसने मोटर चला दी जाकर। जैसे एकदम मोटर वाटर रखा स्विच पर, एकदम झाँक के तंगे पकड़ के डाल लिया। भाभी सो रही थी, भाभी को चिल्लाओ भाभी मुझे बचा लो। भाभी बोल भाभी उठ का भाभी भाभी में से तो भाभी विकास मजाक कर रहा है भाभी से, तो मैं उठ गई। मैंने भाभी क्या कर रहा हूँ, लल्ला जी ऐसी चटात भाभी कहेंगे परेशान करते रहे करेगा कहा है वो। मैं उठ के भाभी ने देखो क्या कर रहा हुआ, तो एकदम वो बचाने गई। तो एकदम मैंने भाभी को हाथ पर खींचा, मैंने भाभी कहा है वो एकदम भाभी पकड़ ली बिजली ने, मैं भी फेंक दी दीवार पे। तो मेरा तो अलग तेल पड़ गई। तो मेरे बाद में भतीजी भी आ गई मेरे पीछे पीछे उठ के, और छोटी लल्ली वो बैठ भी रही रोती रही, लल्ला भी सो रहा बड़े बार। और भाभी के पास वो लल्ली कौन में आके बांध उठाई, मम्मी मम्मी उठो उठो, तो वो चिपकी रह गई बच्चा रही। बुआ मेरे करंट लग रहा है। ये करंट लगने के बाद फिर आपने मोहल्ले में बताया जाके? हाँ, पहले भैया इतनी तो भाभी बोल रही थी, भाभी बोली लल्ला लल्ला ऐसे कर रही थी, तो मैंने स्विच बंद करा जल्दी वाइफर उठा के बेड पर चढ़ के। अच्छा अच्छा। घर में लाइट बंद करी, फिर आगे भैया फोन कर, भैया आप सबसे पहले फोन कर दे, भैया बोले मोहल्ले में कहा था, भैया मोहल्ले में करें तुम जल्दी घर आ जाओ। बोले मैं बस अभी आ रहा हूँ। तो भैया जल्दी से आए, फिर मोहल्ले में सब हल्ला मचाया। अच्छा अच्छा। उसके बाद मोहल्ले में ऐसे कताब वगैरह तोड़े, तब निकाला भात, तब ऐसे खूब ठोका, ऐसे हाथ पैर मारे, फिर ले गए सब। जैसे कि कस्बा बबराला के ग्राम बाघू में 2 बच्चों सहित एक महिला की दर्दनाक मौत हुई है, बहुत बड़ी घटना है, दिल दहलाने वाली। क्या है पूरा मामला? इसमें हम लोग को पुलिस से सूचना मिली 4 बजे के लगभग की, ग्राम बाघों में भोनेस अपने परिवार के साथ रहते थे। इनका पैतृक आवास अजीजपुर में है। ये अपने बच्चों के साथ यहाँ रहते थे। आज करीब दोपहर में भोनेस का छोटा भाई स्कूल से आया, तो खाना खाने के पहले वो अपना हाथ मुँह धोने के लिए गया और मोटर का जो ही स्विच ऑन किया, बिजली का करंट अपने चपेट में ले लिया। जब वो बहुत तेज चिल्लाया तो उसकी भाभी रश्मि दौड़ के गई उसको बचाने के लिए, लेकिन वो भी करंट का इतना तेज प्रवाह था कि वो भी उससे चिपक गई। उसको देख के उनकी छोटी लड़की आस्था, जो उसकी उम्र 5 साल थी, वो भी दौड़ के गई बचाने के लिए, वो भी वहीं चिपक गई। और तीनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और पुलिस पहुंच चुकी थी। पुलिस पहुंचने के बाद उसने पंचनामा की कार्रवाई की है। परिवार वालों ने PM कराने से एकदम स्पष्ट मना कर दिया है और कहा कि हम साहब PM नहीं कराएंगे, हम उनकी बॉडी को अपने